गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू रजवीर व्लॉग्स। सो 5 मिनट लेट, मैम ने मेरे साथ दो टीचर्स और थी, मैम ने बोला तुम तीनों की मैम 5 मिनट की छुट्टी काट रही हूँ। आज देखते हैं, मैम का मूड ठीक नहीं लग रहा है, तो देखते हैं आज क्या स्टेटस रहता है काम का और चीज़ों का। फटाफट से अभी पहले व्लॉग अपलोड कर देता हूँ, 8 बजने वाले हैं, तो फटाफट से वो अपलोड कर देता हूँ, देन उसके बाद फिर काम का स्टेटस जो भी रहेगा वो पोस्ट बताता हूँ आपको। आज से मेरा काम शुरू होता है आर्ट रूम को डेकोरेट करना। ये ब्रशेस कुछ ऐसे पड़े हुए हैं, ये ब्रशेस वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनके लिए एक पेन स्टैंड बनाता हूँ कुछ देखते हैं, और फिर फटाफट से फिर बोर्ड्स वगैरह का काम स्टार्ट। फाइनली मेरे दो स्टैंड रेडी हो गए। अब मुझे इसका कटआउट, फॉन्ट के कटआउट निकालने हैं। दशहरा सेलिब्रेशन, यानी कि कल दशहरा सेलिब्रेशन है, तो आज मैं इसके कटआउट निकालना हूँ। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. मेरी ये सब letters की font की cutting ready हो चुकी है, और अब इन boards का काम start करना है मुझे। Hey kid, don't ever let them get inside your head. पेंट से आई रेडी की है, अभी कंप्लीट नहीं है, देन अभी हो गया जाने का टाइम, तो अभी फिलहाल चलता हूँ। हाँ जाएगा जाएगा। पहन लिया शूज। आगे आगे, और मैं शॉर्ट्स में जा रहा हूँ। हाँ मैं शॉर्ट्स में जा रहा हूँ, ये शॉर्ट्स पहने हैं। और कुछ नहीं, बस रेडी हो गई है, वो हो चुकी है, गाड़ी निकालो। गाड़ी निकालो तो बैठ के। अर्जुन इसका देखना, मैम ने स्कूल में क्या कराया था वो दे दो इसको। ओ भाई साहब, हाँ स्कूल से आने के बाद क्लास करते ही स्टूडेंट गए जैसे ही, अब फिर भागना पड़ रहा है। देखो पूरा दिन कार्डियो ही करता रहता हूँ, बस यही होता रहता है, लेकिन वर्कआउट ठीक से नहीं हो पाता, थका पड़ा हूँ यार, मन नहीं होता जिम जाने का, पूरा दिन थका पड़ा हूँ, लेकिन फिर भी जाना है। तो फाइनली गाइस, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, एंड उस इतना सपोर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई है, और जितना मुझसे बन पड़ सकता है उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, डेली टाइम निकाल के व्लॉगिंग करने के लिए। और एक्चुअली मेन मोटिव ये नहीं है कि एक मुझे अर्निंग करनी है इस व्लॉगिंग से, एक फेम बनाना है, एक नाम बनाना है लोगों की नज़रों में ना। एक ट्रांसमैन की लाइफ क्या होती है, बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर होंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी फैमिली में, और आसपास के जो लोग देखेंगे, मेरे आसपास के लोग भी देखेंगे, या मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी कुछ लोग देखेंगे। अभी तो स्टार्टअप है, तो लोग ऐसे इग्नोर करेंगे कि यार क्या ही है ये, क्या ही कर रहा है, छोड़ो इसका टाइम वेस्ट है। लेकिन जब धीरे धीरे ग्रो होने लगेगी ना चीज़ें, फिर लोग ज़्यादा फोकस करने लगेंगे कि अरे यार ये तो आगे जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है ना, तो उसी हिसाब से एक एक सब्सक्राइबर, दो दो सब्सक्राइबर, तीन तीन अगर चार चार ऐसे डेली बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से धीरे धीरे मुकाम यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। और मुझे पूरा पूरा बिलीव है कि एक दिन ये सक्सेस हासिल ज़रूर होगी,
और इसके थ्रू मैं ये चाहता हूँ कि जो बहुत ज़रूरतमंद है, लाइक गरीब हैं जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, तो उन लोगों की मैं हेल्प करूँ। ये चीज़ें सपोर्ट के लिए मैं ये चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके दो यही मेन मोटिव है कि जितना फाइनेंशियली अगर मुझसे ये चीज़ हो सकेगी तो मैं सपोर्ट करूँगा उन लोगों के लिए जो ट्रांसमैन है, जो मजदूरी करके अपना ट्रांजिशन कराना चाहते हैं और वो बेचारे पैसे जुटा नहीं पा रहे अपने लिए। तो मेरी कोशिश यही है, और कुछ मैं डॉक्टर से टाइप वगैरह करने की आगे फ्यूचर में प्लानिंग है मेरी। बट यार ये स्कूल की जॉब की वजह से ना मैं कुछ भी सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग मुझे भी होना पड़ेगा ना। मेरी फैमिली को ज़रूरत है, मेरे साथ साथ ना अपना एक फैमिली मेम्बर हो, फैमिली बनने वाली है शादी के बाद, बीवी बच्चे सब होंगे, तो सब चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ें स्लो प्रोसेस में धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे प्रोग्रेस होती है लाइफ में। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहें ताकि और लोगों को मैं साथ में लेके चल सकूँ। बहुत लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ मैं, और मेरा मेन मोटिव यही है, एक नेम एक फेम चाहिए, और जिस हिसाब से आगे ताकि लाखों करोड़ों लोगों में पहचान हो और सक्सेस हासिल होते हुए एक ट्रांस मेल की एक मिसाल बने, ताकि जो भी लोग ट्रांजिशन कराना चाहते हैं तो एज ए एक रिज़ल्ट मेरा देखते हुए वो फैमिली जल्दी से हाँ कर दे अपने बच्चे की सिचुएशन समझ के। मेन मोटिव मेरा यही है। तो अभी फ़िलहाल मैं इमृता को ड्रॉप करके वापस निकला हूँ जिम से। आज बहुत ज़्यादा शूट करने का थका हुआ बहुत ज़्यादा फील कर रहा था, तो इसलिए शूट ज़्यादा मैंने किया ही नहीं, बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन अभी मुझे ये था कि हाँ व्लॉग कंप्लीट करना है। आज मुझे अपडेट आया था, मेल आई थी, आपका चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है एंड अब डॉलर का निशान आ गया है उस पर, तो वो चीज़ें अब प्रोसेस में है एंड उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो मिलता हूँ अभी आप लोगों से स्टूडियो पे, फटाफट से पहुँच जाता हूँ मैं, अभी फ़िलहाल ड्राइव कर रहा हूँ। सो अभी मैं पहुँच रहा हूँ रितु के फ्लैट पे, मम्मी ने कुछ सामान दिया है, पहले उसको पहुँचा देता हूँ। अभी बस पहुँच गया, बस आई नहीं अभी नीचे, बोला था उसको फ़ोन किया था नीचे आ जा। वेट 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 वेट, आ गई, पीछे से गाड़ी भी आ रही है अभी हॉर्न मार रही है। ये ले, कितना वेट करा दिया, इतना क्या, अरे सीरीज देखने लग रही है। हाँ सीरीज देखने लग गई थी। आजकल तेरा ऑफिस हो गया? ऑफिस स्टार्ट हो गया यार, बड़ा ही दिमाग खराब रहता है ऑफिस में। चल ठीक है, किस दिन शॉपिंग के लिए किस दिन चलना है? मेरी 5 days का ऑफ है, कल और जाना है मुझे, कल और जाना है। वेडनेसडे मेरा ऑफ रहता है, फ्राइडे ऑफ रहता है, फ्राइडे को दशहरा है, दशहरा में तो बहुत रश होगा वहाँ पे। वेडनेसडे रख ले या थर्सडे रख लेते हैं? थर्सडे को है ना, क्या थर्सडे का रख लेते हैं। चल ठीक है, बता दिए सोच के जो भी है। और शादी की डेट का क्या हुआ? अरे शादी की डेट का अभी वो थोड़ा एक या दो दिन में बता देंगे, देन उसके बाद फिर बता दूंगा तेरे को जो भी डेट फाइनल होगी। चल ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। क्यू अर्जुन फॉर द टी। और व्लॉग मैं रीचेक कर रहा हूँ अभी, और चाय अर्जुन ने बना दी है, मेरे चाय पीने का मन हो रहा था बहुत। अर्जुन भी आ गया। अब जाके रात को 12:15 हो रहे हैं, और अब व्लॉग सेव हो रहा है फाइनल, और इसको हम दो पार्ट में मतलब करेंगे। मॉर्निंग में इसको अपलोड कर दूंगा और इवनिंग में इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा, जो डॉक्यूमेंट्री शूट वगैरह हुई थी। और अर्जुन कंटेंट बताने में बिजी। अर्जुन को कंटेंट दिया हुआ है, इस व्लॉग का कंटेंट क्या रखना है, तो अभी बोल रहा था, क्या बोल रहा था, हाँ भाभी के साथ मस्ती। मैंने कहा अर्जुन की भाभी लिख दूँ, अर्जुन की भाभी के साथ मस्ती। इसको देखना अर्जुन, मुंह खोल के सोई हुई है, मुंह खोल के ही सोती है, ऐसे ही सोती है ये। अरे भाई जल्दी से सेव हो जा ताकि मैं सोऊं भाई, कल सुबह स्कूल भी जाना है। आए भाई साहब, ओह। तो होप गाइस आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो आप प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे न्यू है और भी अपडेट्स आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हमारे आने वाले ब्लॉग्स आप मतलब इंटरेस्टिंग मिलेंगे, तो अभी ब्लॉग अब सेव हो रहा है और सुबह मैं अपलोड कर दूंगा। अभी आ रही नींद, तो अभी सोने का वक्त, अर्जुन भी सोने जा रहा है।
सिस्टी भी सो चुकी है, अब 12 बज रहे हैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।